गाड़ी में पेट्रोल भरवा के हम चल दिए घर की तरफ। और ये देखो, यह है पतंजलि का कॉलेज। यार बाहर से इतना औसम लग रहा है तो अंदर से कितना मस्त कैंपस होगा इसका। और पता है, अभी आज पापा को मिलने वाला होगा सरप्राइज। हम लोगों ने सिर्फ एक घंटे पहले ही इसका प्लान कराया, और आप एंड तो जरूर देखना, जरूर ही मिस बिल्कुल भी मत करना। और अब यहाँ पे हम रुक चुके हैं खाने के लिए, क्योंकि हम लग रही थी भूख। हम यहाँ वेट कर रहे हैं दूसरी गाड़ी का, वो लोग आएंगे तो हम लोग कुछ खाएंगे। ये मोंटी बहुत परेशान कर रहा था मुझे बहुत ज्यादा, कुत्ता कहीं का, एक नंबर का कुत्ता ही है ये। और यहाँ हमारा कट गया टोल, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। चलो चलते हैं। तो हम लोग मेरठ पहुंच चुके हैं। हालत एकदम खराब हो गई बहन करवाने मोंटी को घुमाने के लिए, इसको वॉशरूम आई है इसलिए। अब तो इतनी गर्मी लग रही है यार, क्या ही बोलूं। तो दोस्तों अब सीधा मिलते हैं घर पर पापा को सरप्राइज देते हुए, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे पहुंच चुकी है गुंजन, इसने पापा को और मम्मी को माला पहनाई और नाचने लगी खुद अकेले अकेले। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। सो मैंने भी कैमरा दिया किसी और को, फिर मैं भी आ जाती हूँ वहाँ कूदने के लिए। वहाँ पे ये अंकल खुद ही आके नाचने लग गए थे, पहले अच्छा है नाचने लग गए थे, क्योंकि हम तो फिर क्या ही करना था, हम कोई नाच नहीं रहते। और इसने यहाँ पे पापा को दिया बुके और कहा वेलकम ताऊ जी, क्योंकि पापा इसके ताऊ लगते हैं इसीलिए। और यहाँ पे मैं चली गई कूदते कूदते नाचने के लिए, पापा हट गए वहां से। अभी पापा आएंगे नाचने के लिए, क्योंकि उनके बिना यहाँ कैसे डांस हो सकता है भाई। इतने साल उन्होंने ड्यूटी करी, आज उनकी ड्यूटी हुई खत्म, यानी उनको मिलती आजादी। अब मिली है उनको आजादी, अब वो फुल एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, अब जैसा वो जीना चाहे। अब कोई टेंशन नहीं रहेगी ना, हाँ बस है फैमिली की तो रहेगी, पर ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेके आऊंगी खींच के सबको, मैं सबको बोल रही होती हूँ कि यार आ जाओ नाच लो नाच लो, इतने पैसे खर्च करे हमने इसमें तो ये तो नाच लो। तो यहाँ मैं पापा को ले आती हूँ खींच के, और फिर यहाँ पे पापा भी डांस करना शुरू कर देते हैं, हम सारे मजे में डांस करते हैं, और बाद में भाभी को भी बुला लेते हैं नाचने के लिए, क्योंकि यार मेरी भाभी तो खतरनाक ही है, मस्त है भाभीया, तो मजा आता है उनके साथ। मम्मी तो नाच ही नहीं रही है यार, क्योंकि उनका ससुराल है शायद इसलिए, पता ही नहीं उनको क्या है। सबके सब नाच रहे बट मम्मी नहीं नाची। यहाँ देखो हमारी भाभी आ गए, अब करेंगे चलुआ आ आ आ, ये देखो शुरू हो चुकी है मेरी भाभियाँ। ये गुंजन भी पीछे नहीं हट रही है, यहाँ बड़ी मम्मी हमारे ऊपर पैसे चढ़ा रही है, और इनको दे दिया हमें दे देती इससे अच्छा। और ये ढोल के लिए भी मैंने इसको गुंजन को ही बोला था, इसने ही मुझे एक घंटे में ला के रख दिया इन लोगों को यहाँ। तो इसको तो बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि इसने इतना कुछ किया, इसके बिना होता ही नहीं सब। हम कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लो अब मेरी एक दीदी भी आ गई, ये हमारी सरिता दीदी, अब इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया फ्लोर, और ये भी कभी नहीं रुकती डांस करने से। अब यहाँ तो भाई ये क्या कहते हैं, ये जो जगह है ये टूटने वाली है, क्योंकि यहाँ हम आ चुके हैं नाचने के लिए गाइस। ये तो टूटेगा भाई टूटेगा, ये पापा का रिटायरमेंट है, हो गया घर आ गए। मम्मी को तो कितना भी नचा लो नाच ही नहीं रही थी भाई, देखो मैं हाथ पकड़ के भी नचा रही इनको, पर ये नाच ही नहीं। यहाँ मैं बड़ी मम्मी को लेके आती हूँ डांस करने के लिए, बट वो थोड़ा सा तो डांस करती है, थोड़ा सा करती है, क्योंकि ना उनकी तबीयत खराब थी, ऐसा मुझे भी नहीं पता था, तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है ना वो, तब भी इतना नाची वो भी बहुत था। तो अब हम फिर शुरू हो गए, वहां जगह छोड़ी तो हम यहाँ पे शुरू हो गए, हम नहीं रुकने वाले, है ही खुशी का पल है ये हमारा, सबके साथ नाचने में मस्त एकदम।
रुको जरा, सबर करो, इतना नाचोगे भाई, बस करो। लो दीदी तो भाई खतरनाक हो गई, दीदी का तो चाबी भर गई। बात हमने सारा सामान ट्रक से उतार कर रख दिया था, मतलब कि सारे बच्चों ने मिलके किया, ये जितने भी बच्चे हमारे घर में, सो हम बहुत थक चुके हैं। सो हम इस ब्लॉग को यहीं करते हैं। सो वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।